माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, honorable members, we'll proceed with the motion of thanks on the president's address. Sri Amit Anil Chandra Shah to initiate. माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने 29 जनवरी 2018 को संसद की दोनों सभाओं को सम्मिलित बैठक में जो अभिभाषण दिया है, उसके लिए राज्यसभा के वर्तमान सत्र में उपस्थित सभी सदस्य राष्ट्रपति के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। माननीय सभापति महोदय, आज मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है, क्योंकि आज ये महान सदन के माध्यम से और ऐतिहासिक सदन के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें मैं भी सम्मिलित होने जा रहा हूँ। आज मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और गुजरात के विधानमंडल और गुजरात की जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे यहाँ चुनकर भेजा, तो मैं इस सदन, महान सदन के सदस्य के रूप में आप सबके बीच में खड़ा हूँ। माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को अगर ध्यान से देखें तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर इस सरकार की उपलब्धियों को हम सबके सामने रखा है, मगर जब इस पर आम तौर पर सदन के बाहर भी चर्चा होती है तो इस उपलब्धियों पर अनेक प्रकार की टीका टिप्पणियां होती है, कुछ मर्मज्ञ उसका विश्लेषण भी करते हैं, और जब मैं वो विश्लेषण को देखता हूं तब मुझे लगता है महोदय, विश्लेषण का स्वागत जरूरी है, मगर उसमें एक अलग दृष्टिकोण भी मैं जोड़ना चाहता हूं। हमने ये देखना पड़ेगा महोदय कि ये जो अभी सरकार की उपलब्धियां है वो सरकार को विरासत में क्या मिला। सरकार ने जब कामकाज संभाला तब सरकार के पास विरासत में क्या था, जिस प्रकार का गड्ढा था वो गड्ढा भरने में ही सरकार का बहुत सारा समय गया है, और गड्ढा भरने के बाद इन उपलब्धियों को एक अलग नजरिए से सभापति महोदय देखने का। अब सुनिए, थोड़ा सुनिए ना, हम आपको भी सुनेंगे सभापति महोदय। नो रनिंग कमेंट व्हाइल सिटिंग फॉर एनीबॉडी दिस साइड और दैट साइड। फर्स्ट टाइम मेंबर इज स्पीकिंग, मेडन स्पीच प्लीज। I have to name you, please. If anybody speaks while sitting and make comment, that's a very serious matter. Not only about this, about any other issue. सभापति महोदय, 2013 में देश की जो स्थिति थी उसको हमें याद करना पड़ेगा। 2013 में देश की स्थिति क्या थी? देश एक ऐसे प्रश्न के अवतार के नीचे जी रहा था कि इस देश किस दिशा में जा रहा है, देश का भविष्य क्या होगा, ये महान देश अपनी विकास की गति को कहीं रोक तो नहीं देगा, इस प्रकार का एक भय का अवतार पूरे देश के जनमानस पर छाया हुआ था। महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती थी, सीमाओं की सुरक्षा का कोई ठौर ठिकाना नहीं था, सीमा की रक्षा करने वाले जवान सरकार की अनिर्णायकता के कारण अपने शौर्य का प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। युवा आक्रोशित था, 12 लाख करोड़ रुपए के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, स्कैम की एक सीरीज इस देश की जनता के मानस पटल पर बहुत बड़े सवाल कर रही थी, और उसी वक्त एक सवाल खड़ा होता था कि सरकार को पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है, नीतिगत बाबतों में सरकार को लकवा लग गया है, और पूरे देश ने मानो एक साथ निर्णय किया कि देश की परिस्थिति को बदलना चाहिए। इतने में ही 2014 में चुनाव आया, और 2014 के चुनाव में इस देश की महान जनता ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया। महोदय, 30 साल से इस देश में अस्थिरता चल रही थी, 30 साल से इस देश की जनता ने किसी भी एक दल को बहुमत नहीं दिया था, और आजादी के बाद कभी भी इस देश की जनता ने किसी गैर कांग्रेसी दल को बहुमत नहीं दिया था। ये सारी बातों को 2014 के चुनाव में कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से द्वारिका तक पूरे देश की जनता ने एक मैंडेट देकर ध्वस्त कर दिया।
पहली बार आजादी के बाद किसी गैर कांग्रेसी दल की सरकार बनी और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी। सभापति महोदय, 30 साल के बाद किसी एक दल को पूर्ण बहुमत मिला, किसी एक दल को मैंडेट मिला कि आई पॉलिसी के आधार पर इस देश को आगे ले जाइए। आप इस देश के जनता के मन में जो सारे सवाल है, इस देश की जो समस्याएं हैं, इसका समाधान ढूंढिए। और ये मैंडेट अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मैंडेट था, मगर मैंडेट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिला था। हम चुनाव में गठबंधन के साथ गए थे, पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलने के बावजूद हमने एनडीए को सरकार में सम्मिलित किया और हमारी भावना को उजागर करते हुए सारे एनडीए के साथी आज इस सरकार की यात्रा को आगे बढ़ाए हैं। महोदय, जब ये सरकार की रचना हो रही थी, उसका एक महत्वपूर्ण अंग होता है नेता का चुनाव। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अपने प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया था, परंतु यहीं पर सेंट्रल हॉल में एनडीए के सारे चुने हुए सांसदों की बैठक हुई और उसमें नेता चयन की प्रक्रिया हुई। मुझे गौरव है कि मैं भी वो प्रक्रिया का एक हिस्सा था। सभापति महोदय, जब श्री नरेंद्र मोदी जी को सदन का नेता चुना गया, एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया, उस वक्त नरेंद्र भाई ने एक ऐतिहासिक भाषण किया था। उन्होंने कहा था कि सरकार जो बनने जा रही है वो सरकार गरीबों की सरकार होगी, वो सरकार किसानों की सरकार होगी, वो सरकार दलित पिछड़े और आदिवासियों की सरकार होगी, वो सरकार युवा की सरकार होगी, वो सरकार महिलाओं की सरकार होगी, और ये सरकार गांधी और दीनदयाल के स्वप्न को पूरा पूर्ण करने वाली सरकार होगी और गांधी और दीनदयाल के दिखाए हुए रास्ते पर चलने वाली सरकार होगी। और मुझे कहते हुए आनंद है सभापति महोदय, 3.5 साल हो गए हैं, 3.5 साल ये सरकार अंत्योदय के सिद्धांत के आधार पर चली। क्या है ये अंत्योदय? अंत्योदय का सिद्धांत क्या है? मैं अगर उसको सरल भाषा में रखना चाहूं इस सदन के सदस्यों के सामने आपके माध्यम से, तो अंत्योदय का सिद्धांत है विकास की पंक्ति में जो अंतिम खड़ा है उसको विकास की पंक्ति में जो अग्रिम खड़ा है उसके बरोबर कर देना, सबको एक समान विकास की तक मिले, इस प्रकार से आगे बढ़ना। मान्य सभापति महोदय, 3.5 साल के बाद आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। सभापति महोदय, इस देश का संसदीय लोकतंत्र का इतिहास कोई अब इतना छोटा नहीं है। 70 साल हो गए हमारे संसदीय लोकतंत्र को। 70 साल में कई सरकारें आई और कई सरकारें गई। सरकारें जब 25, 30, 35 साल चलती है तब 2-3 ऐसे बड़े काम होते हैं जिसको इतिहास में दर्ज करना पड़ता है। ये सरकार 3.5 साल चली है, 50 से ज्यादा ऐसे काम है जिसको इस देश के इतिहास में स्थान मिला। माननीय सभापति महोदय, ये सरकार ने अपने अंत्योदय के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए, अंत्योदय के सिद्धांतों को लागू करने के लिए शुरू से ही गरीबों के जीवन स्तर को उठाने के लिए बहुत सूझबूझ के साथ, एक सातत्य के साथ, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं कंटिन्यूटी के साथ विकास करने का तय किया। और सबसे पहला काम किया जनधन बैंक अकाउंट। सभापति महोदय, इस देश के 70 साल के आजादी के अंदर 55 साल एक ही पार्टी का राज रहा, और इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करूंगा सभापति महोदय, तो एक ही परिवार का शासन रहा है। मुझे कहने में भी कोई झिझक नहीं है, 70 साल की आजादी के बाद 55 साल के कांग्रेस के शासन के बाद 60% लोग ऐसे थे जिनके घर के अंदर एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। व्यक्ति छोड़ दीजिए साहब, पूरी फैमिली के अंदर, पूरे घर के अंदर एक भी बैंक अकाउंट नहीं। सरकारें किस तरह से चली होगी, सरकारों का विजन क्या होगा, सरकारों का दृष्टिकोण क्या होगा कि 70 साल की आजादी के बाद एक गरीब के घर में बैंक अकाउंट नहीं दे पाए। प्रधानमंत्री ने जब लाल किले की प्राचीर से घोषणा की कि जनधन योजना की हम शुरुआत करेंगे और हर घर में मिनिमम एक बैंक अकाउंट पहुंचाएंगे, तब मेरा मन भी आशंकित था, जो 60 साल में नहीं हुआ वो कैसे हो जाएगा। मगर आज देखिए साहब, 31 करोड़ बैंक अकाउंट देश में गरीबों के खुले गए हैं, हर परिवार में एक बैंक अकाउंट उपलब्ध है। शायद ही कोई एक व्यक्ति होगा जिसका बैंक अकाउंट नहीं था। और हमारी मीमांसा की जाती थी, हम पर टीका टिप्पणियां की जाती थी,
बैंक अकाउंट को दे दिया, पैसे कहां से आएंगे? अंदर गरीब क्या रखेगा? ऐसे तो हमने जीरो बैलेंस की व्यवस्था की थी, मगर सभापति महोदय मैं कहना चाहता हूं कि आज जो जनधन अकाउंट खुले, 31 करोड़ जनधन अकाउंट खुले हैं, उसमें 73,000 करोड़ रुपया गरीब की खाली कमाई का था। वो अपनी झोपड़ी में रखता था, अपने गल्ले में रखता था, कोई चोरी कर जाता था साहूकार के वहां, वो लूट जाता था। आज वो पैसा सुरक्षित बैंक अकाउंटों में पड़ा है और वो अपने आप को इस देश के अर्थतंत्र के साथ जुड़ा हुआ पाता है। सभापति महोदय, जब ये योजना शुरू हुई तब 2014 में 77% जीरो बैलेंस अकाउंट थे और आज उसकी संख्या घटते 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 20% से कम हो गई है। सभापति महोदय, सभी गरीब अपने बैंक अकाउंट का उपयोग करने लगे, मैं मानता हूं यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। सभापति महोदय, इस देश में जिस प्रकार से वोट बैंक की पॉलिटिक्स चली, इसमें कुछ भी किसी को छोड़ने के लिए कहना सभापति महोदय बहुत कठिन होता जा रहा था। कटु कहना, कटु बात सुनना, इसका स्वभाव ही हमारा धीरे धीरे लुप्त होता दिखाई पड़ता था। सबसे इतिहास में जाकर देखे, पास्ट में जाकर देखे, भूतकाल में जाकर देखे तो सबसे अंतिम घटना है जब लाल बहादुर शास्त्री इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पाकिस्तान के साथ युद्ध के वक्त कहा था कि इस देश के पास चावल नहीं है, शनिचर को सभी लोग उपवास करें और एक समय का खाना छोड़ दे, और शास्त्री जी की इस अपील को सोमवार को मेरा जन्म नहीं हुआ था उस वक्त, इसलिए सोमवार को खाना छोड़ दे और सभी लोगों ने इसका सम्मान रखा था। शास्त्री जी के बाद पहली बार ऐसी हिम्मत इस देश के अभी के प्रधानमंत्री और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने कहा जो संपन्न लोग हैं, जिन पर ईश्वर की कृपा है, जिनको आर्थिक रूप से कोई प्रश्न नहीं है, वो लोग अपनी गैस की सब्सिडी छोड़ दे। ये गैस की सब्सिडी सरकार गरीबों को देना चाहती है, आदिवासियों को देना चाहती है, दलितों को देना चाहती है, ग्रामीण गरीबों को देना चाहती है। और मुझे कहते हुए हर्ष है सभापति महोदय कि 1,30,00,000 लोगों ने प्रधानमंत्री की अपील को सम्मान देते हुए गैस की सब्सिडी को छोड़ा है। और उसके बाद क्या किया? कोई और प्रधानमंत्री होता तो वित्तीय घाटा कम कर लेता, अपने तिजोरी में उसको जमा कर लेता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सब्सिडी जो बची और इसके अंदर खजाने का और पैसा लगाकर उज्ज्वला योजना लेकर आए। सभापति महोदय, 70 साल की आजादी के बाद 1.5 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण गरीबों के पास गैस नहीं था, अपनी झोंपड़ी में गैस का चूल्हा नहीं था, स्वच्छ ईंधन नहीं था। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक संवेदनशील फैसला लिया कि 5 साल में 5 करोड़ गरीब महिलाओं को गैस का सिलेंडर देने का हम काम करेंगे, और उसमें से 3.5 साल हुए हैं, 3,30,00,000 लोगों को गैस का सिलेंडर देने का काम समाप्त कर दिया गया है। और इसी बजट में सरकार ये 5 करोड़ की जगह ये लक्ष्यांक को 8 करोड़ तक बढ़ाने के लिए आगे बढ़ी है। सभापति महोदय, यहाँ हमारे सदन में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसा लगता है कि 21वीं सदी में गैस का सिलेंडर विकास का पैमाना हो सकता है। मैं कोई गरीब के घर में पैदा नहीं हुआ सभापति महोदय, मगर गरीबी को मैंने देखा है, डांग के जंगलों में जीते हुए आदिवासियों को देखा है, पूर्वांचल में गरीबों को देखा है। एक बूढ़ी माँ जब अपनी झोंपड़ी के अंदर कंडे और टहनियाँ जलाकर रसोई बनाती है, खाना पकाती है, और उसकी पूरी झोंपड़ी जब धुएं से भर जाती है सभापति महोदय, पूरी आदत न होने के बावजूद भी 400 सिगरेट जितना धुआं वो माँ के फेफड़े के अंदर घुस जाता है और उसके स्वास्थ्य को सहन 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 हानि करता रहता है। सभापति महोदय, करोड़ों माओं को धुआं मुक्त घर देकर उनके बच्चों के लिए, उस घर के बूढ़ों के लिए और महिला के लिए, स्वयं के लिए एक स्वयं स्वच्छ घर का निर्माण करने का काम प्रधानमंत्री जी के इस फैसले ने किया है। और मुझे इस बात का विशेष आनंद है कि ये जो 3,30,00,000 कनेक्शन दिए, उसमें से 30% अनुसूचित जाति की महिलाओं को मिला है, 30%, और 13% अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। सभापति महोदय, ऐसा ही एक फैसला हुआ शौचालय का,
स्वच्छता के अभियान के साथ इसको जोड़ा गया, मगर ये स्वच्छता के अलावे भी अपने गरीब के जीवन में एक बहुत बड़ी त्रासदी है। सभापति महोदय, घर में शौचालय न होना आज दिल्ली लुटियन में रहने वाले लोगों को इसका महत्व मालूम नहीं पड़ता। काफी लोग ऐसे हैं जिनको इस तकलीफ का ज्ञान ही नहीं होगा, परंतु सभापति महोदय, एक घर गरीब घर की कल्पना करिए, एक 16 साल की बच्ची सुबह में कुदरती प्रक्रिया के लिए गांव के बीच में से गुजरकर खुले में शौच क्रिया के लिए बैठती है, पूरे गांव की नजर उस पर गड़ती है, वो बच्ची अपनी आंखें झुका देती है। धीरे धीरे कर इसका आत्मविश्वास हरोद तिल तिल कर टूटता है। वो बच्ची को अभी तय करना है कि मुझे कलेक्टर बनना है, डीएसपी बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, देश के विकास में किस तरह से मैं अपना योगदान करूंगी, उसका आत्मविश्वास 16 साल की उम्र में ही टूट जाता है। वो देश के विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदार आत्मविश्वास के साथ नहीं हो सकती। इसके दर्द को कोई सरकार इतने सालों तक नहीं समझी। किसी ने बहुत सारे लोग योजना लेकर आए, मैं ऐसा नहीं कहता है पहली योजना है, मगर योजना का स्केल दिखे सभापति महोदय, 2022 में हर घर में शौचालय हम कर देंगे और 7 करोड़ शौचालयों को समाप्त कर दिया गया। सभापति महोदय, बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो आंकड़े देखते हैं उनको ये उपलब्धि नहीं दिखाई पड़ेगी, परंतु एक घर में शौचालय पहुंचने से स्वास्थ्य तो सुधरता ही सुधरता है, महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी पहुंचता है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्तुत्य कदम उठाया है। मैं यहाँ इसलिए कहना चाहता हूँ कि देश भर में संदेश जाए, उन्होंने शौचालय को एक नया नाम देने का काम किया है, उन्होंने शौचालय को इज्जत घर का नाम देने का काम किया है, महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने शौचालय योजना के माध्यम से किया है। सभापति महोदय, गरीब के लिए घर बहुत महत्वपूर्ण, कहीं वृक्ष के नीचे प्लास्टिक की टार्पलिन पर सो जाना, कहीं ब्रिज के नीचे सो जाना, कहीं फुटपाथ पर, या कहीं सर्दियों में बने हुए अस्थाई आवासों में रहना, ये उसका भाग्य बन गया था। हर व्यक्ति को घर देने का स्वप्न भी इस सरकार ने ही देखा है और द्रुत गति से इसकी समाप्ति की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। ग्रामीण विस्तारों में 1,35,00,000 आवास की योजना को मंजूर कर दिया गया है और शहरी क्षेत्रों में 70,00,000 आवासों की बनाने का काम शुरू कर दिया है। सभापति महोदय, बेरोजगारी इस सदन की चार दीवारों ने शब्द प्रयोग बहुत बार सुना होगा, बहुत बड़े बड़े अभ्यस्त भाषण भी देखे होंगे बेरोजगारी पर, सुने भी होंगे आप, अब पूरा सुन लो भैया, बहुत आंकड़ों के भाषण भी सुने होंगे, बड़े बड़े विद्वान अर्थशास्त्रियों को भी सुना होगा, मगर इसकी ये समस्या का समाधान कोई नहीं कर सकता। मैं अभी सुन रहा था इस सदन के सदस्य आनंद शर्मा जी और बाकी सदस्य जब चर्चा कर रहे थे, उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा बहुत तरीके से उठाया और वाजिब है, समस्या है देश में बेरोजगारी की, मैं इनकार नहीं करता, मैं मानता हूं इस देश में बेरोजगारी की समस्या है, मगर 55 साल आपके शासन करने के बाद भी अगर ये समस्या है तो मैं कहना चाहता हूं इसका समाधान किसने नहीं ढूंढा। हम तो 6 साल 7 साल 8 साल से काम कर रहे हैं, ये देश का चलाने का सौभाग्य हमें 8 साल के लिए मिला है, इतनी विकराल समस्या कोई 8 साल में नहीं हुई है। 55 साल जिस पार्टी ने इस देश पर शासन किया वो आज समस्या उठा रही, इसका मुझे आनंद है, मगर हमने इसका समाधान ढूंढा। सभापति महोदय, स्किल इंडिया, बेरोजगार युवाओं को स्किल तजज्ञ बनाना, स्टार्टअप, स्टैंडअप और अंत में मुद्रा बैंक, मैं इस मुद्रा बैंक के लिए विशेष इस सभागृह का ध्यान दिलाना आकृष्ट करना चाहता हूँ सभापति महोदय, इसलिए क्योंकि इंदिरा जी का जमाना था, हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री थी, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था, इस देश की बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, और उस वक्त क्या उनका भाषण था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने के बाद बैंकों के दरवाजे गरीब के लिए खुल गए हैं, मगर इतने सालों तक बैंकों के दरवाजे गरीब के लिए नहीं खुले, ना उसके पास अकाउंट था, ना लोन मिलती थी, लोन लेने जाते ही उसके पास से इनकम टैक्स नंबर मांगा गया था, अरे भैया उसका सवाल ही वो है कि इसके पास इनकम नहीं है, इनकम टैक्स नंबर कहां से लाए, उसके पास इनकम नहीं है वो तो उसका प्रश्न है। और ये बेरोजगार युवा
दिशा विहीन होकर भटकते थे। आज मुद्रा बैंक के कारण 10.5 करोड़ युवाओं को सरकार से लेकर 10 लाख तक का लोन देने का काम समाप्त कर दिया गया है। लगभग 4.5 लाख करोड़ लोन दिया गया है। सभापति महोदय, इसमें ना गारंटी देनी है ना गारंटर लाना है, सूद भी कम रखा है। अभी अभी मैं पढ़ रहा था, चिदंबरम साहब का ट्वीट पढ़ रहा था कि मुद्रा बैंक के तहत पकौड़े लगाने का किसी ने ठेला लगा दिया। इसको रोजगारी कहते हैं? हाँ, मैं मानता हूं कि बेरोजगारी से तो अच्छा है कि कोई युवा मजदूरी कर मेहनत कर पकौड़ा लगा, अपने श्रम परिश्रम से पसीना बहार कर हजारों लाखों करोड़ों युवा जो स्वरोजगारी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, पकौड़ा बना रहे हैं, छोटी छोटी स्वरोजगारी ले रहे, उसको आप भिक्षुक के साथ कंपेयर करेंगे? किस प्रकार की ये मानसिकता है? सभापति महोदय, पकौड़ा बनाना कोई शर्म की बात नहीं है, इसको भिक्षुक के साथ कंपेयर करना शर्म की। सभापति महोदय, वो बेरोजगार था, पकौड़ा बना रहा है, उसकी दूसरी पीढ़ी आगे आएगी, देश का बड़ा उद्योगपति बनेगी, कोई चाय वाले का बेटा आज प्रधानमंत्री बनकर इस सदन में बैठा है, इनको मालूम नहीं है पकौड़ा बनाने वाले का उतना ही महत्व है? अरे भाई फ्रेश, सभापति महोदय, बीमारी आपको, आपके नेता है वो बाद में बोलेंगे, इफेक्टिवली काउंटर करेंगे, आपको क्यों चिंता है? उनको ऊपर सामर्थ्य के ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए, प्लीज। सभापति महोदय, मैं मानता हूं कि अपने परिश्रम से, अपने पसीने से अपने जीवन का ज्ञापन करने वाला हर व्यक्ति उतना ही बड़ा है जितने हम इन सदन में बैठे हुए लोग। सभापति महोदय, जहां तक बिजली का सवाल है, बिजली का सवाल है, इस देश में 70 साल की आजादी के बाद जब हमें इस देश की जनता ने शासन दिया, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथी दलों को शासन दिया, उस वक्त इस देश के अंदर 18,000 गांव ऐसे थे जहां बिजली, छोड़ दीजिए बिजली का खंभा या वायर भी नहीं पहुंचा था, 18,000 विलेज। और सभापति महोदय, मुझे आनंद है कि सरकार ने 3.5 साल में 18,000 में से 16,000 गांव में बिजली पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया। कोई कोरा वादा नहीं है, सरकार के विभाग के साइट ऊपर इसके सूची पड़ी हुई, प्रांत सह सूची पड़ी है, 16,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया है। 18वीं सदी में जीते हुए वो गांवों को 21वीं सदी में लाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सभापति महोदय, इसके बाद बिजली गांव में तो पहुंच गई, घर का क्या? घर में जब तक बिजली नहीं पहुंचती उसके जीवन स्तर को ऊपर नहीं उठाया जा सकता। बिजली के साथ शिक्षा जुड़ी है, बिजली के साथ स्वास्थ्य जुड़ा है, बिजली के साथ स्वच्छता जुड़ी है, ये सारी चीजों को गरीब के घर में कैसे पहुंचाए? इसके लिए सौभाग्य योजना का विचार आया और सौभाग्य योजना के तहत 2022 तक इस देश के हर गरीब को मुफ्त बिजली का कनेक्शन देने का निर्धार सरकार ने किया है और 4 करोड़ कनेक्शन 16,000 करोड़ रुपए की कॉस्ट से देने की शुरुआत हो गई। सभापति महोदय, मैं मानता हूं हर घर गरीब के घर में शौचालय पहुंचाना, हर गरीब के घर में गैस पहुंचाना, हर गरीब के घर में रोजगारी पहुंचाना, हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाना, हर गरीब के घर में स्वास्थ्य पहुंचाना, इसी के लिए तो देश को आजाद करने के लिए हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी थी। सभापति महोदय, ये लड़ाई इसीलिए लड़ी है और ये सरकार उसी दिशा में जा रही है। सुरक्षा योजना के तहत जब कोई गरीब अकस्मात इसका होता है या बीमार हो जाता है तो उसके लिए क्या करना है? तो सरकार ने 2 योजनाएं लाई, सरकार बहुत कम मामूली से प्रीमियम के अंदर प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत 13 करोड़ से ज्यादा गरीबों को सुरक्षा देने का काम समाप्त कर दिया गया है और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 5.5 करोड़ कुल मिलाकर 18 करोड़ से ज्यादा गरीबों को सुरक्षित करने का काम। जन औषधि केंद्र के माध्यम से 3,000 से ज्यादा पीएम बीजेपी केंद्र से 800 से ज्यादा दवाइयां 10% से 30% दाम पर गरीब के लिए उपलब्ध करा दी हैं। भगवान न करे कोई गरीब को दिल की बीमारी हो जाए, स्टेंट रखने का समय आ जाए तो स्टेंट की कॉस्ट समझ कर ही उसको सुनकर ही उसको पहले अटैक आ जाता था। आज जो 4 लाख रुपए का स्टेंट था
वो 40,000 रुपये में और 70,000 के स्टैंड को 8,000 रुपये में गरीब के लिए ये सरकार ने महोदय उपलब्ध करा है। घुटने जो आर्टिफिशियल घुटने बिठाने हैं उसको भी इसका भी खर्चा बहुत कम कर दिया है। और इस बजट के अंदर सभापति महोदय मैं बड़े ध्यान से इस सदन को देख रहा था जब बजट वित्त मंत्री जी पेश कर रहे थे। इस बजट के अंदर प्रधानमंत्री जी एक आयुष्मान भारत की योजना लेकर आए हैं। इस देश के 40 करोड़ लोगों को 5,00,000 रुपये की स्वास्थ्य का खर्चा बीमा के माध्यम से मुफ्त में देने के लिए मैं मानता हूं सभापति महोदय कि पूरी दुनिया में जितने भी लोकतंत्र हैं उस सबको लोकतंत्र की योजनाओं को कोई खंगाल कर देख ले, 50 करोड़ लोगों को बीमा सुरक्षा देना, हेल्थ बीमा देना और 5,00,000 रुपए का देना किसी भी सरकार में साहस नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने किया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और इसी के कारण मुझे मालूम है अभी सामने से थोड़ा आवाज आएगा, इसी के कारण ये आयुष्मान भारत को अब नमो हेल्थ केयर के नाम से इस देश की जनता बुलाने लगी है। सभापति महोदय, न्यूनतम वेतन कम्युनिस्टों के समर्थन वाली यूपीए 1 की सरकार ने भी न्यूनतम वेतन में इतना इजाफा नहीं किया था जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 40% बढ़ोतरी की गई है सभापति महोदय। और इस प्रकार से गरीब कल्याण के लिए सरकार ने अंत्योदय के सिद्धांतों को, दीनदयाल जी के सिद्धांतों को चरितार्थ करने, बहुत सारी सूची है मगर मैं थोड़ा ही लेकर आया हूँ सभापति महोदय क्योंकि समय, बाकी लोग भी बोलेंगे, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ गरीबी हटाओ के नारे से सत्ता में तो बहुत लोग आए थे, गरीबी हटाने का, गरीब का जीवन स्तर उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। सभापति महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, देश की 70% आबादी कृषि पर निर्भर है, 70% लोगों का जीवन यापन कृषि के और कृषि पर आधारित उद्योगों में, व्यवसायों में होता है। और कृषि को बढ़ावा देने के लिए इस देश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साढ़े तीन साल तक सातत्यपूर्ण तरीके से सभी अंग उपांगों को समाविष्ट करते हुए कृषि में किसान की आय दोगुनी करने की दिशा में एक बहुत मजबूत कदम उठाए। महोदय, प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना एक अपने आप में एक विशिष्ट प्रकार की योजना है जिसके तहत लगभग 13,00,000 हेक्टर भूमि को माइक्रो इरिगेशन इसमें बिछाया गया है। इसके माध्यम से पानी की तो बचत होगी ही और उपज में भी बढ़ोतरी होगी। सभापति महोदय, 285 नई परियोजना जिसके पीछे 1,88,00,000 हेक्टर भूमि को सिंचाई से युक्त कर दिया जाएगा, ये बहुत बड़ी परियोजना प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना के तहत शुरू हुई है जिसे किसानों की किस्मत बदलने वाली है। 30 नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम, अटल जी की सरकार जाने के बाद नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम को छोड़ दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार, एनडीए की सरकार आने के बाद इन नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम फिर से एक बार शुरू किया गया। सभापति महोदय, 3 योजनाएं शुरू हो चुकी है और 30 योजनाएं आने वाले 2 साल के अंदर हम हाथ में लेने वाले हैं। इससे इरिगेटेड लैंड के अंदर बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। प्रधानमंत्री सभापति महोदय, जब कुदरती आपदा आती है तब किसान के साथ कोई नहीं होता है, ऊपर भगवान होता है, धरती माता होती है। सालों से इसके राहत के नॉर्म्स को बदला नहीं गया था। भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनने के बाद पहले ही साल में राहत के लिए जो नॉर्म बने थे उसको मदद करने के लिए उसमें जो अमाउंट है उसको 1.5 गुना किया गया और क्षेत्रफल के अंदर 4 गुना बढ़ोतरी कर गई। दोनों तरीके से उसको राहत देने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया गया है। वैज्ञानिक असेसमेंट की भी एक नई पद्धति लाए हैं जिससे जिसका नुकसान हुआ है उसको तुरंत राहत मिल पाए। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बहुत सारी फसल बीमा योजनाएं देश में आई, हो सकता है अभी जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई है इससे भी अच्छी योजना लाने का सौभाग्य हमारी ही सरकार को शायद हो सके 2019 के बाद फिर से मिले। मगर मैं इतना निश्चित कह सकता हूं
कि ये प्रधानमंत्री फसल योजना अपने आप में एक संपूर्ण प्रधानमंत्री फसल योजना है। बुआई से लेकर खलियान तक कहीं पर भी पूरी प्रक्रिया में कहीं भी आपदा आ जाती है, किसी भी प्रकार की आपदा आ जाती है, तो किसान को अपना फसल बीमा मिल पाए, इस प्रकार की व्यवस्था इसके अंदर करी है। और हर गांव का अलग सर्वे किया जाना, पहले ब्लॉक्स के सर्वे होते थे, ब्लॉक के सर्वे की जगह हर गांव का सर्वे करने का निर्णय किया गया है सभापति महोदय। और मुझे कहते हुए आनंद है कि पहले 1 करोड़ के आसपास किसान इसका फायदा उठाते थे, 2016-17 में 5,70,00,000 किसानों ने इसका फायदा उठाया है और 13,000 करोड़ से ज्यादा भुगतान किया गया है। सभापति महोदय, किसान जो उत्पादन करता है उसको अगर अच्छे दाम नहीं मिलते हैं तो किसान के हिस्से में कुछ नहीं आता। और धीरे धीरे इस देश की सभी मंडियों को ई मंडी में तब्दील करने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई है। अभी काम थोड़ा धीरे चल रहा है मगर दिशा सही है। 455 मंडियों को ई मंडी में कन्वर्ट कर दिया गया है और 31,000 करोड़ रुपये का बिक्री और क्रय इस ई मंडियों के माध्यम से गत वित्तीय साल के अंदर हुआ है। मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सभापति महोदय, यूरिया, जब से मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ यूरिया की किल्लत को हमने देखा है। गुजरात में तो यूरिया के कारखाने अभी भी चल रहे हैं, फिर भी गुजरात में किल्लत होती थी। जो उत्तर के राज्य है वहां पर तो यूरिया के लिए लाठी भांजने का समय आता था, चाहे रवि हो या खरीफ, किसान को आंदोलन करे बगैर यूरिया नहीं मिलता था। यूरिया का उत्पादन तो कम था ही परंतु यूरिया की कालाबाजारी भी बहुत बड़ी मात्रा में चल रही थी। सभापति महोदय, एक ही निर्णय किया गया, नीम कोटेड यूरिया। नीम कोटेड यूरिया कारण यूरिया का इंडस्ट्री में उपयोग समाप्त हो गया, कर ही नहीं सकते आप। ये नीम कोटेड यूरिया के कारण इंडस्ट्री में जाने वाला यूरिया बाजार में आ गया, इसके कारण आज सब किसानों को यूरिया मिलता है। यूरिया का उसका खपत भी कम हो गया है और उसकी पेस्टिसाइड्स का खर्च भी कम हो गया है। इसके साथ गोरखपुर, सिंदरी, बरौनी, तालचेर और रामगुंडम, ये सारे कारखाने, एक भी ऐसा मत समझिएगा, मैं सभी सभासदों को आपके माध्यम से हमने नए नहीं बनाए, अलग अलग सरकारों में बंद पड़ गए थे जिसको चालू करने की सूझ नहीं ली गई थी। ये 6 के 6 कारखाने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फिर से शुरू, और ये 6 कारखाने शुरू होने के बाद मुझे भरोसा है कि यूरिया इस देश में इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि नीम कोटेड यूरिया के कारण इसकी खपत कम हुई है और ये 6 कारखाने का उत्पादन आने के बाद ऐसा जरूर नहीं पड़े। डेयरी के लिए भी 11,000 करोड़ की योजना रखी गई है। जैविक खेती के लिए भी एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, लगभग 22.5 लाख हेक्टर भूमि को जैविक खेती के नीचे लाने का काम कर दिया गया है, सॉइल हेल्थ कार्ड। सभापति महोदय, इस पर मैं विस्तार से बात इसलिए करना चाहता हूँ कि एक नई चीज है, इस सदन के माध्यम से देश के किसानों तक जानी चाहिए। देश का किसान जो अपने खेत में अपने खलियान के अंदर रहता है, हरदम पसीना बहाता है, उसको मालूम नहीं इसकी मिट्टी में क्या चीज पड़ी है, प्लस क्या है, माइनस क्या है, अंदर कौन सा क्रॉप होगा वो मालूम नहीं, कितना पानी चाहिए वो मालूम नहीं, इसकी मिट्टी की प्रत क्या है वो मालूम नहीं है, कौन सा खाद कितना चाहिए वो भी मालूम नहीं, ये सारा लेबोरेटरी के अंदर पड़ा हुआ होता था। सभापति महोदय, गुजरात में एक प्रयोग किया गया सॉइल हेल्थ कार्ड का, और हर किसान को अपनी भूमि का हेल्थ कार्ड दिया गया। हेल्थ कार्ड के अंदर उसकी मिट्टी किस प्रकार से है, कौन से क्रॉप अच्छे हो सकते हैं, कितना पानी चाहिए, कौन सा खाद चाहिए, ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई होती है और 14 भाषाओं में लिखी हुई होती है, स्थानीय भाषाओं में लिखी होती है। लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने का काम इस 3 साल के अंदर समाप्त कर दिया गया है। 460 फुल फ्लेज प्रयोगशालाएं बना दी गई है और 4,000 मिनी लैब बनाने का काम भी एक तरीके से शुरू होगा है माननीय सभापति महोदय। और सबसे अंतिम बात मैं किसानों के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि आज़ादी के 70 साल के अंदर एक पॉलिटिकल नारा तो होता था, किसान को अपनी लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य देना, और सबको लगता था ये पॉलिटिकल नारा है। एक पार्टी होती थी तो इसके खिलाफ दूसरी पार्टी उपयोग करती थी, दूसरी पार्टी आती थी तो पहली पार्टी उपयोग करती थी। अब हमने व्यवस्था करी, इसका उपयोग कोई नहीं कर पाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
हर फसल के लिए रवि हो या खरीफ हो उसकी लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का निर्णय लिया है। मैं मानता हूं आजाद हिंदुस्तान में बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है सभापति महोदय। इसी के कारण किसानों की आय दुगनी करने का जो लक्ष्य रखा गया है उसमें व्हाइट क्रांति, ब्लू क्रांति, नई ग्रीन क्रांति, माइक्रो इरिगेशन ने सारी चीजों को समाहित करते हुए ये कदम भी किसानों की आय दुगनी करने के लिए दिशा में जाएगा। सभापति महोदय, ये सरकार जब से चली ये सरकार का एक सिद्धांत रहा है कि हम फैसले ऐसे नहीं लेते हैं जो लोगों के अच्छे लगे, लोगों को अच्छे लगे। सरकारें हमने देखी है सभापति महोदय, वोट बैंक जनरेट करने के लिए लोगों को अच्छे लगे ऐसे फैसले लेने वाली सरकार देखी है। ये सरकार ऐसी है जो लोगों के लिए अच्छे हो ऐसे फैसले लेती है, लोगों को अच्छे लगे ऐसे फैसले। सभापति महोदय, वित्तीय डिसिप्लिन के कारण, फाइनेंशियल डिसिप्लिन के कारण सारे पैरामीटर्स इंप्रूव हुए हैं। मैं इस पर ज्यादा बोलना नहीं चाहता, हमारे साथी बोलेंगे। एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट जो -0.2% था वो 4.1 पर जाकर ठहरा है। मुद्रास्फीति 9.5 से 1.5 तक पहुंची है। इंटरेस्ट रेट 8% से 6% पर लाया है। चालू खाता घाटा, राजकोषीय घाटा, ये सब अपने पैरामीटर्स को छूते हैं। और एफडीआई भी, एफडीआई इनफ्लो भी बढ़ा है। फॉरेक्स रिजर्व, अब तक का रिकॉर्ड फॉरेक्स रिजर्व $407 बिलियन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शासन में है, नरेंद्र मोदी जी के शासन में है। और इसके कारण बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए गए हैं और रिफॉर्म्स के कारण बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों में सरकार ने अपने अंक की तालिका में अंक की छलांग लगाई है। चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग हो, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी की रैंकिंग हो, ग्लोबलाइजेशन इंडेक्स हो, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स हो, बहुत सारे चीज़ों में हमने रैंक को आगे बढ़ा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि सबसे एक स्तुत्य काम अगर किया गया है तो इस देश की मौसमों के हिसाब से बजट को लाने का फैसला किया। पहले हम बजट को लाते थे 28 फरवरी को, पास होते होते अप्रैल आ जाता था और बाद में मानसून आ जाता था। इस भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक फैसला दिया कि सब 1 फरवरी को इस देश का बजट आ जाएगा। इसके कारण बजट के इंप्लीमेंटेशन के लिए बहुत अच्छी सहूलियत हुई है। रेलवे बजट को भी हमने परफॉर्म कर दिया। सभापति महोदय, एक बहुत बड़ा सुधार, ये सरकार ने किया है जिसका नाम है जीएसटी। जीएसटी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सुधार है। दुनिया में सबसे बड़ा बिक्री और सेवा कर का अगर कोई सुधार हुआ है तो हिंदुस्तान का जीएसटी है, क्योंकि हमारे अर्थतंत्र का जो आकार है उसमें कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। इतने सारे राज्य, इतने सारे दल, इसमें जीएसटी कभी इंप्लीमेंट हो पाएगा इसकी किसी को कल्पना नहीं थी। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश ने एक देश एक कर का स्वप्न साकार कर लिया है। पूरे देश में एक समान कर की व्यवस्था हुई है। माननीय सभापति महोदय, इस पर बहुत सारी राजनीति सदन के बाहर हुई। मुझे लगता है मुझे इसका, इसके बारे में जो सत्य हकीकत है वो कहनी चाहिए। सबसे पहले तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, जब कांग्रेस की सरकार थी तब जीएसटी का विरोध किया था। सभापति महोदय, ये बात सत्य नहीं है। मैं बताता हूं, सुन लीजिए ना। मैं बताता हूं, और सुनिए ना आनंद जी, आप सुनिए। सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने कभी जीएसटी का विरोध नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी ने जीएसटी के तरीकों का विरोध किया। और सरकारों को क्यों भरोसा नहीं था? क्योंकि यूपीए सरकार ही एक कर सुधार लेकर आई थी, सीएसटी को 4% से घटाकर 2% कर लिया था। आपको याद होगा कि 4% से घटाकर 2% हुआ था, जो घाटा था राज्यों को आप लोगों को चुकाना था, यूपीए सरकार ने चुकाना था।
मगर साहब वादा खिलाफी हुई, राज्यों को घाटा चुकाया नहीं गया। 37,000 करोड़ रुपया एनडीए सरकार ने चुकाने का काम, क्यों भरोसा नहीं था राज्यों को? फेडरल स्ट्रक्चर की भावना को किसने नष्ट किया? जब एक वचन दिया जाता है, वचन की पालना नहीं होती है तो कोई भरोसा नहीं करेगा। और सब राज्य चिंतित थे, सब राज्य जीएसटी से नहीं डरते थे, जीएसटी के कारण राज्यों पर जो बोझ आने वाला है इससे डरते थे। सब कहते थे कि इंप्लीमेंटेशन के वक्त अगर आय कम हुई तो हम राज्य कैसे चलाएंगे, राज्य की जन कल्याण की योजनाओं को कैसे आगे बढ़ाएंगे। और राज्य की जन कल्याण की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनके मन में एक सवाल था, जिसका समाधान हमारे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने ढूंढा। 14% रेवेन्यू पर बढ़ोतरी देने का वादा किया, तब जाकर सभी राज्य सहमत हुए, सभी राज्य तब सहमत हुए। सभापति महोदय, बाद में जब आपको मौका मिलेगा, प्लीज सभापति महोदय, ये 14% रेवेन्यू ग्रोथ का जो हमने वादा किया वो सिर्फ शाब्दिक वादा नहीं था, सीएसटी की तरह शाब्दिक वादा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी हर राज्य को दी गई है कि अगर आपकी आय कम होती है तो भारत सरकार उसका भुगतान करेगी। और 22 राज्यों को आज वो नुकसान का भुगतान भारत सरकार कर रही है, इसलिए भरोसा बना है। सभापति महोदय, विरोध इसलिए था कि भरोसा नहीं था, हमने भरोसा पैदा करे ऐसा काम किया, ऐसा रास्ता ढूंढा, तब जाकर जीएसटी पास हुआ है। सभापति महोदय, जीएसटी को इतने विकराल तरीके से लोगों के सामने रखा जा रहा है जैसे बहुत बड़ी दिक्कतें आने वाली है, देश का व्यापार बंद हो जाएगा, छोटे और मध्यम व्यापारियों की दुकानें बंद हो जाएगी, लघु उद्योग बंद हो जाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने इसका डीप स्टडी किया है सभापति महोदय, कुछ नहीं होने वाला है। ये जीएसटी के कारण देश का व्यापार बढ़ने वाला है, लघु उद्योग और छोटे व्यापारी और मजबूत होने वाले हैं। सभापति महोदय, पहले इस देश की स्थिति क्या थी? 17 प्रकार के अलग अलग टैक्स थे, एक्साइज से लेकर ऑक्ट्रॉय तक, और 17 टैक्स से 23 प्रकार के सेस लगते थे। 17 टैक्स और 23 सेस, उसको समाप्त कर एक टैक्स बनाया गया। सभापति महोदय, व्यापारी की दिक्कत कभी बढ़ नहीं सकती, कम होती है। पहले 15 इंस्पेक्टरों को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाने पड़ते थे, 15 इंस्पेक्टर को, आज एक ही इंस्पेक्टर से डील करना है। सभापति, एक ही इंस्पेक्टर से डील करना है। और जो जिन सदस्यों को संशय है कि जीएसटी के माध्यम से दिक्कतें बढ़ेगी, सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से उनको अनुरोध है कि आप एक बार चुंगी की जब रेड हो जाती है वो व्यापारी को जाकर मिलिए। अग्रवाल जी तो यहाँ बैठे हैं, उनको मालूम है चुंगी की जब रेड होती है तब क्या होता है। सेलटेक्स के नाके पर जो एक एक दिन की लंबी ट्रांसपोर्ट की लाइनें लग जाती थी ट्रक्स की, उस वक्त स्थिति क्या होती थी? ट्रक का उपयोग उसका कितना कम हो जाता था, कितना महंगा पड़ता था ट्रांसपोर्टेशन, ये जरा उसको पूछिए। 15 इंस्पेक्टर की जगह एक इंस्पेक्टर अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को देखेगा, मुझे नहीं लगता कोई व्यापारी इसका विरोध करेगा। मगर हाँ सभापति महोदय, टीथिंग प्रॉब्लम है, शुरुआती दिक्कतें आई हैं और अभी भी शायद थोड़ी बाकी होगी। शुरुआती दिक्कतें आती है जब 23 सेस और 17 टैक्स को आप मर्ज कर लेते हो, एक टैक्स बनाते हो, तो शुरुआती दिक्कतें सभापति महोदय आती हैं। मगर ये सरकार संवेदनशील सरकार है, जीएसटी के आने के बाद 3 महीने के बाद एक सरकार ने बहुत बड़ा संवाद का अभियान चलाया, सारे संसद सभ्य, सारे अधिकारी, सारे मंत्री चैंबर ऑफ कॉमर्स में गए, छोटे व्यापारियों के पास गए, लघु उद्योग वालों के पास गए और उसको सुनने की प्रक्रिया की। सभापति महोदय, उसके अंदर से बहुत सारी चीजें आई कि दिक्कतें क्या है, वो दिक्कतों को एक 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 करके रिजोल्व करने का शुरू किया और 23 मीटिंगों में 30 से ज्यादा प्रोसीजरल चेंज करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जीएसटी के अंदर किया। और ये जो सारी मीटिंगें हुई उसमें रेट के लिए हो हल्ला किया गया। सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन को और देश को मैं बताना चाहता हूं कि 400 चीजों के दाम ये 23 मीटिंगों में कम कर दिए गए, 400 चीजों के दाम 1100 में से, और 150 चीजों को टैक्स फ्री कर दिया गया। लगभग 1100 में से 550 चीजों पर टैक्स कम करने का काम जीएसटी आने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, 30 प्रोसीजरल चेंजेस किए। अब सभापति महोदय, जैसे
वर्णन ऐसे होता है आम सभाओं में कि जीएसटी ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का बेबी है। जीएसटी काउंसिल बनी है, इसमें हर देश का मुख्यमंत्री आता है, हर देश का वित्त मंत्री आता है, हर राज्य का मुख्यमंत्री आता है, हर राज्य का वित्त मंत्री आता है और जीएसटी काउंसिल में अपनी अपनी राय रखता है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि 23 से 25 मीटिंगें हुई है, एक भी प्रस्ताव पर मतदान नहीं हुआ है, सारे के सारे प्रस्ताव यूनैनिमस है। अगर आप विरोध करते हो, विपक्ष के मित्र अगर विरोध करते हैं तो आपका भी एक मत यहां है। और मैं विशेषकर कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहूंगा कि 23 मीटिंगों में अलग अलग 91 मंत्री कांग्रेस शासित राज्यों के आए हैं और सहमति दी है, आपकी सहमति से हुआ है। जीएसटी काउंसिल में एक भाषा, सदन में दूसरी भाषा और आम सभा में तीसरी भाषा, ये किस प्रकार की राजनीति है? किस प्रकार से देश को हम आगे बढ़ाएंगे? हम क्या प्रकाशित करें जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स मिनट्स को? भैया सुनो, मुझे सुनना पड़ेगा 6 साल तक बाद। आप मुझे रोक नहीं सकते, सभापति ही रोक सकते हैं। सभापति महोदय, क्या हम इसकी मिनट्स को सार्वजनिक करें क्या कि इसमें फला पार्टी की भी सहमति है, फला पार्टी की भी सहमति है, फला पार्टी की सहमति है, कोई पार्टी बाकी नहीं है, सबकी सहमति है, क्योंकि सर्वानुमत से फैसला हुआ है। और सभापति महोदय, शब्द क्या उपयोग होते हैं, गब्बर सिंह टैक्स। कौन है गब्बर सिंह? एक मशहूर हिंदी फिल्म थी शोले, उसमें एक डकैत था। शोले फिल्म में एक डकैत का पात्र का नाम गब्बर सिंह है। ये डकैती हो रही क्या? कानून से बना हुआ टैक्स वसूल करना डकैती है? कितनी समझ रखते हैं लोग जो इसको गब्बर सिंह टैक्स करते हैं। और गब्बर सिंह टैक्स जाता कहां है? ये जीएसटी जाता कहां है? सभापति महोदय, वन रैंक वन पेंशन देने के लिए वो जवान के बैंक अकाउंट में जाता है, शहीद की विधवा के बैंक अकाउंट में जाता है। सभापति महोदय, गरीब महिला को उज्ज्वला योजना देने के लिए जाता है, गरीब को घर देने के लिए जाता है। सभापति महोदय, सौभाग्य योजना के तहत उसको बिजली देने में जाता है। लोगों को कर देने के लिए न उकसाना, ये अच्छी राजनीति की निशानी है। किस दिशा में हम देश को ले जाना चाहते हैं, हम सबने सोचना पड़ेगा, कि कोई एक दल की बात नहीं है। आज हम हैं, कल आप भी आ सकते हो। हाँ हाँ, आ सकते हो। हमारी मानसिकता ऐसी नहीं है। सभापति महोदय, हमारी मानसिकता ऐसी नहीं है कि यावत चंद्र दिवा करो हमारा ही शासन रहेगा। ये लोकतंत्र है, जनता किसी को भी बिठा सकती है। 55 साल आप भी बैठे हो, देश इस तरह से नहीं चलता है जी। देश कुछ मुद्दों में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर चलाना पड़ता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सारे लोगों को अपील करना चाहता हूं, जीएसटी ये देश का भविष्य सुधारने वाला एक अच्छा रिफॉर्म्स, इसको सबने सहयोग करिए। जनता का मन बनाने के लिए सरकार का सहयोग करना चाहिए, ऐसी मैं अपील मात्र कर सकता हूं। अध्यक्ष जी, बाकी तो राजनीति करने के लिए बहुत सारे क्षेत्र पड़े हैं। अध्यक्ष जी, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी ये सरकार ने बहुत सारे अचीवमेंट्स प्राप्त किए हैं। रोड कंस्ट्रक्शन में लगभग 1.5 गुना, नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन में 2 गुना, नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन के ऑर्डर देने में 4.5 गुना, रूरल रोड कंस्ट्रक्शन में 2 गुना, फंड के मामले में 3 गुना, विलेज कनेक्टिविटी के मामले में 2014 में 56% गांवों को रोड से जोड़ा गया था, आज 82% गांवों को गांव से जोड़ने का काम समाप्त कर दिया गया है और 5,29,245 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाने का काम माननीय सभापति महोदय समाप्त हो गया। रेलवे में भी नई रेलवे लाइन के कंस्ट्रक्शन में 360 किलोमीटर 13-14 में थी, 16-17 में 953 किलोमीटर है। ब्रॉडगेज कन्वर्जन में 750 किलोमीटर थी, इसको 1000 किलोमीटर तक पहुंचा गया है। डबल ट्रैकिंग रेलवे लाइन में 500 किलोमीटर से बढ़ाकर 882 किलोमीटर। रेलवे आउटले
को बढ़ाकर 2.5 गुना कर दिया गया है। अब 1,31,000 करोड़ रेल के लिए आवंटित किए गए 16-17 में। ग्रॉस रेवेन्यू में भी $19 बिलियन से बढ़ाकर $25 बिलियन तक पहुंचाने का काम किया है। और एयरपोर्टों की संख्या को हम दोबारा चुनाव में जाने से पहले 5 गुना करने का लिए सरकार। बैंकिंग की तो बात मैं कह चुका हूँ, इसलिए आगे कहना नहीं चाहता। पावर सेक्टर के अंदर भी सभापति महोदय बहुत सारा काम हुआ है। इंस्टॉल कैपेसिटी गीगावाट में पहले 243 गीगावाट थी, अब 333 है। ट्रांसमिशन कैपेसिटी जो 2,91,000 थी उसको बढ़ाकर 3,81,090,000 किलोमीटर 3 साल में बढ़ाया गया है। पीक पावर डेफिसिट में 9% थी उसको 1.6% तक सीमित कर दिया गया है, मतलब पावर सरप्लस स्टेट बनने की दिशा में हम जा रहे हैं। इंस्टॉल विंड कैपेसिटी 21 गीगावाट की जगह 31 गीगावाट हो गई है। सोलर टैरिफ ₹12 यूनिट खरीदा जाता था, अब ₹2.5 यूनिट सोलर पावर खरीदा जाता है। इंस्टॉल सोलर कैपेसिटी 2.6 गीगावाट थी, इसकी जगह 12 गीगावाट कर दी गई है। अनइलेक्ट्रिक विलेज की संख्या 18,542 थी, अब सिर्फ 1948 गांव बिजली के बगैर के रह गए हैं। कोल प्रोडक्शन को 462 मिलियन मेट्रिक टन था, आज 554 हुआ है। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं मगर मेरे पास थोड़ा समय का अभाव है सभापति महोदय। नहीं, बाकी के लोग बोलेंगे, आप चिंता मत करिए। सभापति महोदय, सबसे देश की सुरक्षा किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। सभापति महोदय, मगर देश की सुरक्षा तब तक ठीक से नहीं हो सकती जब तक उसका जवान फौजी अपने आप को सुरक्षित समझे और गौरवान्वित करता हुआ समझे। इस देश के जवान 40 साल से वन रैंक वन पेंशन की मांग करते थे। अनेक सरकारें आई, अनेक सरकारें गई, वन रैंक वन पेंशन को कोई छूता नहीं था। अगर किसी ने किया तो चुनाव के वक्त पर 100 करोड़ का एक टोकन बजेटरी प्रोविजन कर जवानों को झांसा देने का काम किया। माननीय सभापति महोदय, एनडीए की सरकार आई, भाजपा सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। हमारा चुनावी वादा था, एक ही साल में हमने वन रैंक वन पेंशन के निर्णय को करकर देश के जवानों को हर साल 8,000 करोड़ रुपया देने का काम किया है। इससे उनका हौसला बढ़ा है। सभापति महोदय, 44 डिग्री टेम्परेचर में कच्छ और राजस्थान के रेगिस्तान में काम करता हो या -44 डिग्री पे पहाड़ियों की चोटियों पर काम करता हो, उसके परिवार की चिंता करना ये सरकार अपना फर्ज समझती है। और वन रैंक वन पेंशन मैं मानता हूँ उनके लिए बहुत बड़ी राहत है जिसको हमने समाप्त कर दिया है। माननीय सभापति महोदय, इस देश में जब से ऑपरेशन टोपा समस्या का समाधान, मुझे लगता था इतना तो आप समझ लेंगे। सभापति महोदय, इस देश में कई बार आतंकवादी हमले हुए। आतंकवादी हमले देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले जवानों के थानों पर भी हुए, इनके कैंप पर भी हुए और बहुत सारे जवान हताहत हुए। मगर इतने सारे समय के अंदर किसी ने भी इसको जवाब देने का उचित नहीं समझा था। एक दिन सवेरे उरी में तड़के सुबह 3 बजे पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमला किया, 12 जवानों को जिंदा जला दिया गया। कायरतापूर्ण हमला था, उनको लड़ने का मौका भी नहीं दिया गया। जिंदा जवान जल गए, सोते सोते जल गए। पूरे देश भर में गुस्सा था, आक्रोश था, हताशा थी कि अब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पहले क्या हुआ था। तो प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट आएगा, सब दुख व्यक्त करेंगे, आक्रोश व्यक्त करेंगे और फिर बात समाप्त हो जाएगी। मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ सभापति महोदय। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, एक शब्द भी नहीं बोले, वो एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। 10 दिन के अंदर अपनी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला किया और अपने वीर जवान पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की सीमा के अंदर जाकर आतंकवादियों से जवानों का बदला लेकर सुखरूप वापिस आ गए। और जिस क्षण
ये जवान वापिस आए वो क्षण देश के इतिहास में, देश की सुरक्षा के इतिहास में ऐतिहासिक रूप से। और उसी क्षण सभापति महोदय, देश को देखने का दुनिया का नजरिया बदल गया। उनको लगा कि इजराइल और अमेरिका के बाद भारत एक ऐसा देश है जो अपने जवानों की, अपनी सीमा की सुरक्षा ठीक से कर सकता है एट एनी कॉस्ट। और मैं मानता हूं कि इसने दुनिया में भारत को देखने का नजरिया बदला है। सुरक्षा देश की कितनी अहम हो सकती है इसका परिचय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से दिया है। और बाद में भी तीनों सेनाओं का मॉडर्नाइजेशन, मुझे कहने में थोड़ा संकोच नहीं है, मैं पक्षापक्षी नहीं करता, मगर लगभग लगभग हम जब शासन में आए ठप पड़ा था। हमने 10 साल का एक ब्लूप्रिंट बनाकर तीनों सेनाओं के मॉडर्नाइजेशन को आगे बढ़ाया और तीनों सेनाओं को अत्याधुनिक हथियारों से लैस करने का काम किया है। उसकी संचार व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त करने का काम किया है। सभापति महोदय, आंतरिक सुरक्षा के लिए भी 18,000 करोड़ रुपया पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए दिया गया है। सभापति महोदय, ये पुलिस मॉडर्नाइजेशन बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ शब्द है, इसलिए बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ शब्द है। पहले एनडीए की सरकार आई थी तो मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ था, बाद में एनडीए की सरकार गई, यूपीए की सरकार आई, मॉडर्नाइजेशन बंद हो गया। अब फिर से एनडीए की सरकार आई और मॉडर्नाइजेशन चालू हुआ। सुरक्षा बलों को आंतरिक सुरक्षा के लिए मजबूत करना, उसको मॉडर्नाइज करना, ये सरकार की प्रायोरिटी है, उसको हमने आगे बढ़ा है। सभापति महोदय, कश्मीर समस्या हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण मसला है। कश्मीर, जब हमने वहां शासन संभाला, नई सरकार बनी, कड़ाई शुरू हुई, पथराव हुआ, सब लोगों ने, देश भर में एक चर्चा चली कि सरकार की कश्मीर नीति कैसी है, सफल है या विफल है, किस दिशा में जा रहे हैं, कश्मीर हाथ से तो नहीं चला जाएगा, इस प्रकार की चर्चाएं चलने लगी थी। मगर आज मैं कह सकता हूं कि कश्मीर विगत 35 साल में सबसे ज्यादा सुरक्षित और शांत प्रदेश है। आज विदेश से पैसा लेकर हवालों से अलगाववाद फैलाने वाले, टेररिज्म फैलाने वाले सारे लोग आज तिहाल के जेल के पीछे अपने दिन काट रहे। माननीय सभापति महोदय, ये हमने कश्मीर समस्या को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। ये सरकार ने सामाजिक बदलाव के लिए भी बहुत सारे काम किए। सबसे पहला काम, काका साहब कालेलकर कमीशन के वक्त से इस देश का पिछड़ा वर्ग इस घड़ी की प्रतीक्षा में था कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता मिले। पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक मान्यता मिले, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार, एनडीए सरकार ने फैसला लिया और पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देने का बिल हम लेकर इस देश के करोड़ों पिछड़ा वर्ग के लोगों का जो आशा अपेक्षा था उसको पूरा करने के लिए बिल लेकर आए। हमने संसद में तो, लोकसभा में तो पारित करा दिया, मगर अभी तक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, अभी तक हमारा यहाँ बहुमत नहीं। आप लाइए, हम लोग पास करने तैयार हैं। लेकर आए थे, हम तो लेकर आए थे। और ये बात रिकॉर्ड पर है, ये बात रिकॉर्ड पर है कि सपा समर्थन करेगी। सभापति महोदय, हम तो राज्यसभा में लेकर आए थे, कांग्रेस पार्टी और कुछ दलों ने इसका विरोध कर सभापति महोदय, हरिप्रसाद सिट आउट प्लीज। सभापति महोदय, रामराज जी प्लीज। सभापति महोदय, मंत्री भी है, मैं ये सदन में विरोध शब्द का प्रयोग इसलिए किया है। सभापति महोदय, सदन में मैंने विरोध शब्द का इसलिए प्रयोग किया है कि विरोध का तरीका बदलने से विरोध बंद नहीं हो जाता। आपने विरोध का तरीका अलग चुना है और ये मत मानिए कि जनता ये समझती नहीं है, सब कुछ जानती है। जब चुनाव में जाएंगे पिछड़ा वर्ग को कांग्रेस ने जवाब देना पड़ेगा, देश के ओबीसी वर्ग को जवाब देना पड़ेगा कि इनके सम्मान की इस बात को क्यों रोका, पूरा देश देख रहा है। सभापति महोदय, इस बिल को रोका है। मैं तो आज भी सारी पार्टियों को अपील करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद नाते, कि बिल में कोई राजनीति नहीं है,
पिछड़े वर्ग को सम्मान दिलाने की बात है। आइए सब साथ मिलकर दोनों सदनों में उसको पास करें। सभापति महोदय, इतने सालों से, आजादी से अब तक इस देश की मुस्लिम महिलाओं को न्याय नहीं मिलता था। ट्रिपल तलाक का कानून, उसको कई बार, अब सुनिए ना थोड़ा, कई बार देश की अलग अलग अदालतों में, देश की अलग अलग अदालतों में चैलेंज किया गया। मुस्लिम महिलाएं, माताएं, बहनें कई बार इस देश की अदालतों के पास अपने अधिकारों की रक्षा के लिए गई। ऐसा नहीं है कि पहली बार अदालत ने फैसला दिया है। साहबानू के केस में भी फैसला दिया था, तब कानून बनाकर उसको रोकने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। ऐसा नहीं है कि इस बार भी आपने विरोध नहीं किया। अभी आप खड़े होकर कहोगे विरोध का तरीका अलग है, मगर है विरोध ही। जब देश की सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देने के लिए, उनको समानता का अधिकार देने के लिए, उनकी सामाजिक सुरक्षा देने के लिए जब ट्रिपल तलाक का बिल लेकर आए राज्यसभा में, इसको रोक दिया गया। प्लीज ठीक है, मैंने आपको अलाउ किया नहीं। आप प्लीज आप लोग जवाब देने की जरूरत है। मैं तो आज भी कहता हूँ अगर विरोध नहीं करते हैं तो कल को हम लेकर आ सकते हैं, सर्वानुमत से कल को लेकर आ सकते हैं। हमें क्या आपत्ति है, हम तो लेकर ही आए थे। महिला आरक्षण आप भी नहीं ला पाए थे, हम पारित नहीं कर पाए थे, लोकसभा में पारित नहीं कर पाए थे। सभापति महोदय, प्लीज, अरे भाई प्लीज, ये कोई तरीका नहीं है। पुनिया जी प्लीज, अब इतना अनुभव है, ये वरिष्ठ है, क्यों हम बात, आपने बोला बस हो गया। ये पांच लोग खड़े होकर अपने अपने बोले, वो पद्धति क्या है? विपक्ष का नेता है, बाकी सदस्य, जब मौका मिलेगा आप इफेक्टिवली काउंटर करिए, इसमें क्या है? सभापति महोदय, इस देश के दिव्यांगों को आजादी से अब तक अपाहिज शब्द के अपमानजनक शब्द को झेलना पड़ता है। एक संवेदनशील प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि ही थी कि अपाहिज की जगह दिव्यांग शब्द को कानूनी जामा पहनाकर उन्होंने उनको सम्मान देने का काम किया है। सभापति महोदय, इनके रिजर्वेशन में भी बढ़ोतरी की है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो, हर जगह पर दिव्यांग को अपमानित न होना पड़े, इस प्रकार की सूचनाएं सरकार की ओर से प्रारित की गई है। सभापति महोदय सगर्भा महिलाएं जब भी सगर्भा होती थी, अगर वो काम करती हैं तो उनके मन में एक चिंता होती थी कि उनका बच्चा पैदा होने के बाद 6 महीने जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बच्चे की देखभाल कौन करेगा? किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी हो न हो, खुद के स्वास्थ्य की चिंता करना, बच्चे के स्वास्थ्य की चिंता करना, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सगर्भा महिलाओं को बच्चे के जन्म के बाद 26 वीक तक की छुट्टी देकर जच्चा बच्चा दोनों का संभाल लेने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। मैं मानता हूँ ये सरकार के संवेदनशील चेहरे को हमारे सामने रखते हैं। सभापति महोदय, बहुत सारे इनिशिएटिव सरकार की ओर से लिए गए हैं, स्वच्छता, कोई सरकार, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो सरकारी सिर्फ सरकार नहीं कर सकती, जनता को साथ में लेके करने पड़ते हैं। जन भागीदारी से स्वच्छता का संस्कार आज समाज के अंदर एक आंदोलन के रूप में प्रस्तापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं मानता हूं कि पीढ़ियों तक इस स्वच्छता का संस्कार देश को स्वच्छ रखेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं, जेंडर रेशियो भी बहुत सारे राज्यों में सुधर रहा है और ड्रॉपआउट रेशियो भी बच्चियों का अब धीरे धीरे गिरता जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जैम योग दिन पूरे विश्व के अंदर मनाने का प्रस्ताव हमारा यूएन ने मान लिया। आज हमारी सांस्कृतिक धरोहर योग
पूरे विश्व के स्वास्थ्य का कल्याण के लिए काम करी है। डीबीटी, डीबीटी की चर्चाएं होती थी, किसी में साहस नहीं था। सभापति महोदय, इस देश में एक बहुत बड़ा स्कैम चलता था जिसकी कभी ना दो में से एक भी सदन ने कभी नोट किया, ना देश के मीडिया ने भी कभी नोट किया। डीबीटी के माध्यम से सारे फायदे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पहुंचाकर जब सरकार ने उसको जांचा तो हर साल सरकार के 57,000 करोड़ रुपया बचे हैं। मान्य 57,000 करोड़ रुपीज कहां जाता था पैसा? मैं नहीं कहता कोई एक व्यक्ति खा जाता था, मगर व्यवस्था के छिद्रों के कारण लोगों के गाड़ी कमीने पसीने की कमाई का पैसा ऐसे लोग ले जाते थे जिनका अधिकार नहीं था। ये 57,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के कारण बचा है। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। नीति आयोग का नया इनिशिएटिव भी आज देश में बहुत सारी नीतियां बनाने के लिए काम में आ रहा है। मैं मानता हूं कि ये परंपरा आने वाले दिनों में देश को बहुत आगे ले जाने के लिए अपने आप में बहुत बड़ा काम करेगी। अभी अभी खेलो इंडिया का जो इनिशिएटिव है, जो इस प्रक्रिया को ध्यान से देख रहा है और जो खेलों के साथ जुड़ा हुआ है, उसको मालूम होगा कि आने वाले दिनों में बहुत सारे रजत पदक और सुवर्ण पदक मुझे खेलो इंडिया के अंदर दिखाई पड़ते हैं। देश के बच्चों के खेलने की आदत चली गई थी। सभापति महोदय, ये खेलो इंडिया ने इसको बहुत आगे बढ़ाया है। 115 पिछड़े जिलों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष कार्य योजना, इस देश में कभी ऐसा नहीं सोचा गया कौन सा जिला पिछड़ गया। पहली बार सरकार 115 जिलों को चिन्हित कर उसके लिए विशेष कार्य योजना लेकर आई है। माननीय सभापति महोदय, मैं मानता हूं बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। सभापति महोदय, काफी सारी ऐसी चीजें हुए जिससे देश का गौरव बढ़ा है। पेरिस समझौते में मैं जल्दी से ही समाप्त करूंगा, आप चिंता मत करिए। पेरिस समझौते में भारत का जो रोल रहा उसने पूरी दुनिया में भारत को गौरव दिलाया है। दाओस में अभी जो प्रधानमंत्री जी का उद्घाटन भाषण था, मैं मानता हूं हर भारतीय के लिए गौरव का विषय। सभापति महोदय, दुनिया जिस दिशा में जा रही है, प्रधानमंत्री जी ने बहुत विनम्रता से किसी को भी नीचा दिखाए बगैर देश कितना बड़ा है और कितनी ऊंचाई पर हम है वो दुनिया का काम दावोस के अंदर किया है। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी बात है। यूएन असेंबली के अंदर हो या अमेरिका की सेनेट के अंदर, समानता के भाव के साथ अमेरिका की संसद को जिस प्रकार से संबोधित किया, ये देश को दुनिया में गौरव दिलाने वाली घटना है। सभापति महोदय, अंतरिक्ष में 104 उपग्रह इसरो ने एक साथ छोड़कर रिकॉर्ड बना, एक उपग्रह, दो उपग्रह, 13 उपग्रह, 30 उपग्रह तक पहुंचे थे। एक साथ 104 उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित कर इसरो ने एक रिकॉर्ड बनाया है। मैं मानता हूं कि इससे देश के सोचने का स्केल बदलता है। देश का युवा हम सबसे पहले होने चाहिए, इसकी भूख उसकी जगी है। देश का स्केल बदलने का काम इस सरकार ने किया है। डिजिटल कनेक्टिविटी और शपथ के अंदर सारे सार्क देशों का उपस्थित होना, और इस 26 जनवरी को 10 के 10 आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों यहाँ रहना, मैं मानता हूँ सभापति महोदय ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सभापति महोदय, जब हम सरकार में आए तब भ्रष्टाचार के लिए भी हमने कहा था कि हम इस देश के अंदर से भ्रष्टाचार को निर्मूल करने का निष्ठावान प्रयास करेंगे। सभापति महोदय, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले की सरकार के बाद हमारी सरकार बनी, 3.5 साल हो गए, मगर हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा सकते हैं। इस प्रकार का हमने काम किया है। कॉल ब्लॉक की नीलामी पारदर्शी तरीके से की, खदानों की नीलामी पारदर्शी तरीके से की, स्पेक्ट्रम की नीलामी पारदर्शी के तरीकों से की, और ये तीनों नीलामी में यूपीए सरकार के समय सुप्रीम कोर्ट ने तीनों नीलामियों को रद्द करना पड़ा था सेटिस्फाइड करने के कारण, और आज हम इतना निश्चित कह सकते हैं कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। कालाधन के खिलाफ
एक सोची समझी रणनीति के तहत बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई है। सबसे पहला कैबिनेट का पहला प्रस्ताव एसआईटी को बनाने का हमने किया, जिसको कई महीनों से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उपरांत भी लटकाया जा रहा था। सारी सूचनाएं एसआईटी को ट्रांसफर कर दी गई, कई नए कानून बनाए, बेनामी संपत्ति का कानून में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने चर्चाओं में काले धन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाने का सफल प्रयोग किया और इसके कारण पूरी दुनिया में बहुत बड़ा फायदा हुआ है। साइप्रस, मॉरिशियस और सिंगापुर के रास्ते से जो पैसा आता था, काला धन घूम कर आता था, एक अलग तरीके से आता था, वो संधियों को समय से पहले समाप्त कर दिया गया। नोटबंदी के कारण भी बहुत बड़ा काले धन पर करारा प्रहार हुआ है और 3 लाख से ज्यादा 3 लाख से ज्यादा सेल कंपनियों को बंद करने will be allowed to speak more than what is time allotted to them. Don't worry on that count, please. 3 लाख से ज्यादा सेल कंपनियों को बंद करने का काम किया। सभापति महोदय, अब तक 70 साल के इतिहास में जितनी भी सरकारें आई वो द्वंद में फंसी रही। द्वंद में फंसी रही सरकारें, द्वंद में फंसी कि सरकार किसानों का विकास करेगी या उद्योगों को बढ़ावा देगी। सरकारें द्वंद में फंसी कि सरकार गांवों का विकास करेगी या शहरों का विकास करेगी। सरकारें द्वंद में फंसी रिफॉर्म करेंगे या कल्याण राज्य की स्थापना करेंगे, विदेश नीति को तवज्जो देंगे या रक्षा नीति को तवज्जो देंगे, सरकार ब्यूरोक्रेट चलाएंगे या जनप्रतिनिधि चलाएंगे। ये सरकार कोई भी द्वंद में फंसे बगैर ये सिद्ध कर दिया है कि किसानों का भी विकास हो सकता है, उद्योगों का भी विकास हो सकता है, गांव का भी विकास हो सकता है, शहर का भी विकास हो सकता है, रिफॉर्म्स भी हो सकते हैं, जन कल्याण के काम भी हो सकते हैं, विदेश नीति भी अच्छे से आगे बढ़ाई जा सकती है और दृढ़ रक्षा नीति को भी लागू किया जा सकता है। ब्यूरोक्रेट्स इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं और जनप्रतिनिधि नीतियां बना रहे हैं। अनेक प्रकार से द्वंद्वों में से सरकार को बाहर निकालने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सभापति महोदय, मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम में स्वाभाविक है कि विपक्ष का दायित्व है कि सरकार की कमजोर कड़ियों को लोगों के सामने रखे और सरकार अपने किए हुए कामों को लोगों के सामने रखती है, ये लोगों का दायित्व है। इसलिए कई बार सदन की कार्यवाही को देखने वाले लोग पसोपस में पड़ते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है। मीडिया में भी ये दोनों प्रकार के द्वंद्व चलते रहते हैं, मगर अगर लोकतंत्र में सरकार ठीक से चली या न चली इसका पैमाना क्या हो सकता है? तो मैं मानता हूं लोकतंत्र में सरकार ठीक से चल रही है या नहीं चल रही है इसका सबसे बड़ा पैमाना जनादेश हो सकता है। जनादेश ही तय करता है कि सरकार ठीक से चली या न चली। 2014 की सरकार होने के बाद हरियाणा में चुनाव आया, हम जीत कर आए, कांग्रेस पार्टी हारी। महाराष्ट्र में चुनाव आया, हम जीत कर आए, कांग्रेस की सरकार गई। झारखंड में चुनाव आया, हम जीत कर आए, कांग्रेस की सरकार गई। कश्मीर में चुनाव आया, हम जीत कर आए, कांग्रेस की बिहार और दिल्ली में चुनाव आया, हमारी सरकार नहीं बनी पर मत प्रतिशत बढ़ा हमारा। आसाम में चुनाव आया, कांग्रेस गई, भाजपा की सरकार बनी। मणिपुर में चुनाव आया, कांग्रेस गई, भाजपा की सरकार बनी। मणिपुर में चुनाव आया, कांग्रेस गई, भाजपा की सरकार बनी। उत्तराखंड में चुनाव आया, कांग्रेस गई, भाजपा की सरकार बनी। उत्तर प्रदेश में चुनाव आया, सपा कांग्रेस हारी, भाजपा जीती। और अभी अभी गोवा में भी चुनाव हुआ, हम फिर से एक बार जीत कर आए। सुनिए सुनिए, और अभी अभी गुजरात में भी चुनाव आया। सभापति महोदय, प्लीज प्लीज, सभापति महोदय, गुजरात में भी चुनाव आया 22 साल के बाद फिर से एक बार 5 साल के लिए महाभारतीय जनता पार्टी। और अब हिमाचल प्रदेश, हिमाचल में भी भाजपा की सरकार बनी, कांग्रेस गई। सभापति महोदय, अब कुछ लोगों को हार में भी जीत दिखाई पड़ती है। अब हम क्या करें, इसका हमारे पास रास्ता ही नहीं। एक राज्य ऐसा हो आजादी के बाद, एक राज्य जैसा ऐसा हो जहां किसी एक दल को 49% वोट मिला है, तो मैं मानने को तैयार हूं कि गुजरात में जनादेश निर्भर।
49% वोट, हर दूसरा वोट भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। 22 साल शासन में रहने के बाद फिर से 5 साल के लिए जनादेश मिला है। 1965 के बाद, सभापति महोदय, 1965 के बाद एक भी कांग्रेस सरकार ऐसी नहीं है, मैं रिकॉर्ड चेक कर आया हूं, जो 27 साल के लिए शासन में रही। फिर भी इसमें जीत दिखाई पड़ती है, और हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं सभापति महोदय, मैं इतना निश्चित केस कह सकता हूं कि 3 नासूर हमारे देश तंत्र को, देश के लोकतंत्र को बहुत समय से डसे हुए, वंशवाद, जातिवाद और तुष्टिकरण। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश और गुजरात के चुनाव के बाद मैं भरोसे से कह सकता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की बड़ी उपलब्धि है कि इस देश के लोकतंत्र में से उन्होंने वंशवाद, जातिवाद और तुष्टिकरण को उखाड़ कर हमारे लोकतंत्र को इस अभिशाप से मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सभापति महोदय, हमने एक पारदर्शी सरकार चलाई है, एक निर्णायक सरकार चलाई है, एक संवेदनशील सरकार चलाई है, और भारत गौरव को प्रस्थापित करने की सरकार 3.5 साल तक चलाई है, इसलिए जनादेश मिला है। राष्ट्रपति महोदय ने और इस देश के प्रधानमंत्री ने एक विचार देश के सामने रखा था, सभापति महोदय, कि इस देश में बारंबार चुनाव के कारण विकास में बाधा होती है, चुनाव एक साथ होने चाहिए, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक चुनाव अगर एक साथ होते हैं, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते हैं, तो काफी खर्च में भी बचत होगी, और बारंबार जो चुनावी आचार संहिता आती है इसके कारण विकास की बाधा भी समाप्त होगी। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि इससे भाजपा का फायदा होगा, मगर कोई भी स्थिति तत्कालीन जो स्थिति होती है वो हमेशा की नहीं होती। आज हमारा फायदा होता है, कल किसी और का होगा। मेरा सभी लोगों से एक अनुरोध है कि इस पर एक अच्छी बहस देश में हम छेड़े, सभी दल इसमें हिस्सा लें और एक साथ चुनाव के लिए आगे आए। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं सभापति महोदय, कि प्रधानमंत्री जी ने एक न्यू इंडिया का सपना देखा है, जिसमें कोई बेरोजगार ना हो, हर घर में बिजली हो, शुद्ध पीने का पानी हो, स्वास्थ्य की सेवाएं हो, शिक्षा की सेवा बहुत अच्छे तरीके से हर व्यक्ति को मिल पाए, और भारत का गौरव पूरी दुनिया में प्रस्थापित हो, इस प्रकार के न्यू इंडिया के निर्माण के लिए ये सरकार आगे बढ़ रही है। राष्ट्रपति महोदय ने भी अपने भाषण में ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से रखने का प्रयास किया था, इसलिए उनका धन्यवाद कर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूँ। डॉक्टर पी